राम राम किसान साथियों। किसान मित्र, देखिए आज के विषय के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मूली में जो कीट आते हैं बहुत ही भयंकर होते हैं। बहुत सारे किसानों को मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि मूली के अंदर जो कीट लगता है बहुत ही भयानक होता है, 4 से 5 दिन के अंदर ही पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो आज का वीडियो पूरा इसी के ऊपर होने वाला है। मैं आपको बताऊँ कि आप भी इन कीटों के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान, देखिए जो किसान हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो किसान मित्र, देखिए जैसा कि आप जानते हैं मूली के अंदर जो कीट लगता है एक छोटा सा काले कलर का कीट होता है जो कि बहुत ही भयानक होता है। देखने में बहुत छोटा होता है लेकिन इतना ख़तरनाक होता है कि देखते ही देखते ये क्या करता है, पूरी फसल को बर्बाद कर देता है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तब। दूसरी चीज़ ये है, आप कितना भी इस पर लगाएं ये मरता भी नहीं है, मैंने अपना खुद देखा। और इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि इसीलिए बहुत सारे किसानों ने जो है मूली की फसल को करना छोड़ दिया है। देखिए स्टार्टिंग स्टेज में क्या करता है, जब आपकी मूली जो है जमनी शुरू होती है तो उस समय क्या करता है, अगर आप 1 या 2 दिन खेत में नहीं गए तो क्या करता है, ये ऊपर के जो पत्ते होते हैं मूली के सब उगा लेता, जिसकी वजह से क्या सोचते हैं किसान, सोचते हैं कि मूली जमी थी या नहीं जमी थी क्या हुआ, बट पूरी फसल जो है ख़राब हो गई। उसके बाद में क्या होता है, अगर आप उस समय दवाई लगा बचा लेते हैं उसके बाद में क्या होता है, ये मूली के पत्तों को इस कदर खाता है, इस कदर उसके अंदर छोटे छोटे छेद कर लेता है, मानो कि उसको मंडी या बाज़ार के अंदर या मार्केट के अंदर कोई भी ग्राहक लेना पसंद नहीं करता। आप जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, आप देखते हैं किस कदर जो है पत्तों का बुरा हाल कर दिया है। और आप जानते हैं पालक पत्ता है, देसी मूली का पत्ता ही बिकता है क्योंकि ये साग के काम में आते हैं, सलाद इसका नहीं बनता है और साग की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हमें इस कीट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ मैं भी आपको बता दूं, मैं आपको बता सकता हूं कि ये कीट ऐसा नहीं है कि आप एक स्प्रे में बिल्कुल ख़त्म कर दें। अभी तक मुझे भी जहां तक 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं मूली खेती हर साल करता हूं और मैं जो है मई से स्टार्ट करता हूं और अक्टूबर तक मूली खेती करता हूँ, इससे मेरा रेट अच्छा मिलता है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि ये कीट्स आसानी से नहीं मरता किसान। तो कोई क्या है कि एक दवाई में हम ख़त्म कर देंगे, दो दवाई में, आज तक किसी भी कंपनी ने इसकी दवाई ऐसी नहीं बनाई जो एक बार में इसको ख़त्म कर दे, बट इस पर कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं आपको कह दूँ कि भैया आप ये स्प्रे लगा दी एक ही बार में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको 20 दिन के अंदर प्रॉपर कम से कम 4 स्प्रे करने पड़ेंगे तब जाके आप इस कीट पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं 4 स्प्रे आपको 20 दिन के अंदर अंदर करने पड़ेंगे, 4 से 3, तभी आप जो है इस कीट पर कंट्रोल पा सकते हैं, अन्यथा यह आपकी फसल को बर्बाद कर देगा। और ये ऐसा नहीं किसान मित्रों केवल ये मूली के अंदर आता है, ये आपका जो साग वाली सरसों या लाई होती है उसके अंदर भी आता है, ये आपका जो लेटा होता है उसके अंदर भी आता है, ये मूली के अंदर भी आता है, या आप गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं गोभी की नर्सरी के अंदर भी ये कीट्स आता है। तो बहुत ही भयानक कीट्स होता है, देखते देखते पूरी फसल बर्बाद कर देता है। जैसे कि आप मूली के अंदर भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बुरा हाल कर दिया, सारे पत्तों को इस तरीके से खा जाता है, मानो कि सुंडी भी जो है इस तरीके से पत्तों को नहीं खाती, इस तरीके से ये कीट खाता है। देखने में बहुत छोटा होता है, काले कलर का होता है और ये पंखदार होता है, उड़ भी जाता है, ये बहुत ही ख़तरनाक कीट होता है जो कि आसानी से मरता नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना, क्या आपको देखिए आपको क्या करना है, आपको ठक्कर केमिकल के नाम से एक दवाई आती है कुदरत नाम की, ठक्कर केमिकल कंपनी है जिसकी दवाई आती है कुदरत नाम की, वो आपको लेनी है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। दूसरे नंबर पर आप अल्फ़ा ले सकते हैं, बेसिकली मैं तो अल्फ़ा का यूज़ करता हूँ, और आप नुवान भी ले सकते हैं, अल्फ़ा या नुवान। देखिए बेसिकली तो नुवान ज़्यादा अच्छी है, अगर नुवान आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अल्फ़ा 10% EC में ले सकते हैं। तो आपको कुदले लेनी है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, अगर आप अल्फा का यूज़ कर रहे हैं तो आपको लेनी है 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, अगर आप नुवान का यूज़ कर रहे हैं तो नुवान भी आपको 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेनी है। तो किसान मित्र देखिए मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप कुदले के साथ नुवान लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रेट मिलेगा। तो ये लेकर आपको क्या करना है, इसके साथ शैम्पू में लेना, अगर आपके पास स्टिकर है तो स्टिकर का यूज़ कर सकते हैं, बट आपके पास स्टिकर अवेलेबल नहीं है तो आप शैम्पू का यूज़ भी कर सकते हैं। एक टंकी के अंदर आपको 1 रुपये वाला शैम्पू मिला लेना, इससे होगा कि आपकी दवाई जो है पत्तों को चिपक जाएगी। और आप जानते ही हैं ये जो कीट्स होता है बेसिकली पत्तों को ही खाता है, तो जब पत्तों के ऊपर आपकी दवाई चिपक जाएगी तो ये जब उस पर बैठेगा तो ये मरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक तो बात ही होगी। देखिए स्प्रे शॉर्टर में आपको बता दूँ, स्प्रे आपको शाम में भी नहीं करना, दोपहर में नहीं, स्प्रे आपको सुबह में करना है, क्योंकि ये कीट जो है सुबह सुबह क्या होता है, मॉर्निंग में ये पत्तों के ऊपर मिलता है हमेशा, आपको शाम में भी नहीं मिलेगा दोपहर में भी नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है यहाँ आपको हर एक पत्ते के ऊपर दिखाई देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, सुबह सुबह यह आपको पत्ते के ऊपर जरूर मिलेगा। तो इसलिए आपको स्प्रे का शेड्यूल जो सुबह करना, सुबह आपको जल्दी कम से कम आपको सुबह जल्दी सूर्य निकलने से पहले पहले स्प्रे कर देना है, जिससे कि ये पत्तों के ऊपर आपको कीट्स मिलेगा और ये आसानी से मर भी सकता है। देखिए मैंने आपको बताया आपको स्प्रे का शेड्यूल सुबह में रखना है, और ध्यान रखना है आपको 20 दिन के अंदर 3 स्प्रे तो कर देना है,
ये नहीं आपने एक स्प्रे लगाया 10 दिन को भूल गए तो देखिए आपकी दवाई प्रॉपर काम नहीं करेगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपकी मूली की फसल जो है ख़राब हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है किसान जाते हैं जिसकी वजह से जो है किसान जो है मूली की खेती को छोड़ रहे हैं। बेसिकली देखिए इनकम बहुत है इसके अंदर मूली की, जैसे कि आप जानते हैं अभी मेरी मूली को लगभग मैं आपको बताऊँ 10 दिन हुए और 15 दिन में इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो पालक पत्ते में मूली होती है मैं आपको बताऊँ 30 से 35 दिन के अंदर आराम से आ जाती है। तो इसमें यही सबसे खास बात है वो लागत भी ना लगानी पड़ती इसमें, ना नराई की कोई ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, आप एक खाद के अंदर ही से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है। बट इसके अंदर जो एक दिक्कत आती है वो कीड्स की आती है, ना इसके अंदर कोई खास सुड़ी लगती है ना और फंगस वंगस आते हैं। बस सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर आती है वो यही ब्लैक कलर का कीड्स होता है, यही आता है। ये अब 3-4 साल से बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है और ये आसानी से मरता भी नहीं। मैंने आपको बताया आपको प्रॉपर जो मैंने बताया कुदरत और नुमान लेकर आपको प्रॉपर क्या करना है, 20 दिन के अंदर 3 स्प्रे जो रिपीट कर देना तब आप इस पर इस कीट पर कंट्रोल पा सकते हैं। और अगर देखिए आप स्प्रे नहीं करते तो आपकी मूली तो हो जाएगी बट उसके अंदर पत्तों के अंदर इतने छेद होंगे कि आप मार्केट या मंडी या बाहर कहीं भी लेके जाएंगे उसकी डिमांड नहीं होगी, उसको कोई भी लेना पसंद नहीं करता क्योंकि उसके अंदर छेद इतने होते हैं कि उसको कोई भी ग्राहक लेना पसंद नहीं करता। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप कुदरत नवान का इस्तेमाल करें, आपको रेट अच्छा मिलेगा। 20 दिन के अंदर प्रॉपर 3 स्प्रे कर दें, शैम्पू मिलाकर स्प्रे करें, शैम्पू नहीं तो आप स्टिकर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसकी वजह से होगा क्या आपके दवाई पत्ता चिपक जाएगी, आपको प्रॉपर जो है रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप मूली खेती करें आपको बहुत ही अच्छा इनकम मिलेगा। और मूली खेती मैं बता दूँ जून जुलाई या बरसात के समय में करें तो किसान साथी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इस समय मंडी रेट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो किसान मित्रों अगर जानकारी पसंद आए थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।